एक काला कौवा जो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूख से मैं मर न जाऊं, हे भगवान कुछ तो दया करो। कौवे की भूख से हालत खराब हो रही थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। अचानक से कौवे को एक पनीर का टुकड़ा दिखाई दिया। कौवे ने सोचा, अब तो मैं इसे खा के अपनी भूख को शांत करूंगा। कौवा आराम से पेड़ पर जा बैठा। अब मैं इसे खाऊंगा। एक लोमड़ी जो बहुत चालाक थी, वह भी बहुत भूखी थी। वह भी खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। खाने को कुछ तो मिल जाए। लोमड़ी इधर से उधर घूमती रही। घूमते घूमते उसकी नज़र एक कौवे पर जा पड़ी, जिसके मुंह में एक पनीर का टुकड़ा था। पनीर को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से कौवे की तारीफ करना शुरू कर दिया। हे कौवा, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हारी आंखें और तुम्हारे पंख भी बहुत सुंदर है। उतनी ही सुरीली तुम्हारी आवाज होगी। तुम गाना गा के सुनाओ। अपनी तारीफ सुनते ही कौवा खुशी से गाने गाने के लिए मुंह खोला। जैसे ही मुंह खोला, पनीर का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। लोमड़ी ने अपनी चालाकी से पनीर के टुकड़े को हासिल किया और वह लेके मुंह में भाग गई। कौवे ने कहा, हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। मैं अपनी छोटी तारीफ में इतना खो गई कि मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। कौवा बहुत उदास हो गया। उसको अपने किए पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह दूर दूर से रोने लगा और वह फिर से खाने की तलाश में उड़ गया। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि झूठी तारीफ और चापलूसी करने वालों से हमें बचना चाहिए, उनकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए।